बाबर आजम जो कि बीते वर्ल्ड कप पाकिस्तान टीम के कप्तान रहे थे, उसने एक ऐसा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है जिसमें उसने विराट कोहली, क्रिस गेल, डेविड वॉर्नर और जोश बटलर जैसे बड़े बड़े प्लेयर्स को भी पछाड़ दिया है दोस्तों। उनको पीछे छोड़कर ये रिकॉर्ड उसने अपने नाम कर लिया है। क्या है वो रिकॉर्ड, वो भी हम आपकी वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते चलें कि बाबर आजम जो फिलहाल PSL यानी पाकिस्तान सुपर लीग में पेशावर जालमी की तरफ से खेल रहे हैं। पेशावर जालमी का कराची किंग्स से मैच चल रहा था। इस मैच में बैटिंग करते हुए जैसे ही बाबर आजम 7 रनों पर पहुंचे तो उसने इन सभी प्लेयर्स को पीछे छोड़कर ये रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। दोस्तों इससे पहले ये रिकॉर्ड क्रिस गेल के नाम था जिसने 285 पारियों में ये कारनामा किया था। उसके बाद विराट कोहली जिसने 299 पारियों में ये कारनामा अपने नाम किया था, ये बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किया था दोस्तों। लेकिन अब बाबर आजम ने इन सबको पीछे पछाड़कर सिर्फ 271 पारियों में 10,000 रन कंप्लीट करने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है दोस्तों, और उसमें इन बड़े बड़े स्टार्स को बाबर आजम ने पछाड़ दिया है। वैसे ये रन इंटरनेशनल नहीं है, लीग्स के रन हैं, T20 क्रिकेट के हैं। वैसे T20 क्रिकेट जो लीग वगैरह चलते हैं उनके रन सबको जोड़ कर है दोस्तों, लेकिन बाबर आजम ने इन प्लेयर्स को पछाड़ दिया है। आप क्या कहेंगे बाबर आजम के इस रिकॉर्ड के लिए और बाबर आजम जैसे महान प्लेयर के लिए दोस्तों, चैट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा।